एक 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 दुकान में लिख देना, यहां पर दुकान चलेगी नहीं दौड़ेगी। आज मैं आपके लिए अंक शास्त्र का एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं जिसको करने के बाद आपकी दुकान इतनी चलेगी, आपकी दुकान इतनी चलेगी, आपका पूरा जीवन हमेशा धन धान्य में और हमेशा ऐशो आराम में और हमेशा आपके पास धन संपत्ति रहेगी। आपकी दुकान दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेगी। आपकी दुकान जैसे दिन में सूर्य चमकता है, रात में चमकता है चांद, वैसे आपकी दुकान चमकेगी। आपकी दुकान में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। ग्राहक एक नहीं, एक साथ 10-10 ग्राहक आपकी दुकान में आया करेंगे। आपके नीचे 10-10 15-15 लोग हर टाइम काम करेंगे। आपकी दुकान देखते ही देखते एक बड़े बिजनेस में तब्दील हो जाएगी। आपको लग रहा होगा कि पंडित जी बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी कर रहे हैं। जी, मैं बातें भी बड़ी कर रहा हूं और ये बातें आपके लिए भी, आपके जीवन को भी बड़ा करेंगी। कोई मैं ये नहीं है हवा में तीर चला रहा हूं, नहीं, बिल्कुल प्रमाण के साथ, बिल्कुल आज मैं आपको फैक्ट के साथ ये बात बताऊंगा किस तरह से एक-एक लिखने से आपकी दुकान फुल स्पीड से दौड़ेगी। केवल युद्ध में गई हुई सेना जिस तरह से पूरे विश्वास के साथ युद्ध लड़ती है, उसी तरह से उपाय भी होते हैं पूरे विश्वास के साथ अगर किए जाएं तो युद्ध में आपकी जीत जरूर होगी। अगर मानो तो सब कुछ, ना मानो तो मिट्टी। तो प्यारे बंधुजनों, बिल्कुल आराम से इस एपिसोड को आपने देखना है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस एपिसोड में मुझे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बिना कहे इस एपिसोड को आप शेयर भी करोगे, लाइक भी करोगे, कमेंट में जय माता की भी जरूर लिखोगे। प्यारे बंधुजनों, बहुत मेहनत से, बहुत विश्वास, बहुत लगन से हम आपके लिए दिन रात काम करते हैं कि हमारे जो सब्सक्राइबर, हमारे जो फॉलोअर, हमारे जो भक्त हैं, उनका विश्वास हमेशा हमारे ऊपर इसी तरह से अटूट बना रहे। तो प्यारे दर्शकों, शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवाने की जय। तो नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी भक्तों को माता रानी के चैत्र महीने के नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र महीने के ये नवरात्रे आप सभी भक्तों के जीवन में नई खुशियां लेकर आए और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। जय माता की। तो प्यारे बंधुजनों, एक-एक-एक-एक-एक आपने लिखना है अपनी दुकान में और राजा की तरह आपका जीवन ना हो जाए तो कह देना। राजा मैं क्यों कह रहा हूं, अब मैं आपको बताऊंगा।
प्यारे बंधुजनों, सबसे पहले तो आप यह जानिए कि आखिरकार 5 बार 111 दुकान में लिखने से आखिरकार दुकान में क्या बदलाव आएगा और क्यों आएगा। तो प्यारे बंधुजनों, एक अंक जो है भगवान सूर्य का अंक कहा गया है और सूर्य भगवान हमारी आत्मा है, हमारे नेत्र है सूर्य भगवान, क्योंकि अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सूर्य के बिना हमारे जीवन की भी कल्पना नहीं की जा सकती और यही सूर्य का अंक जो है आपकी दुकान को, बिजनेस को इतना बढ़ाएगा, आप अपना जीवन एक किंग की तरह, एक नवाब की तरह जियोगे। अब मैंने आपको बोला है ये अंक आपने लिखना है 5 बार, 111111, टोटल हो गया 5। एक अंक हो गया सूर्य का और 5 बार लिखने पर ये आ गया अंक 5। 5 अंक जो होता है उसका स्वामी है बुध, यानी बुद्धि और वाणी का ग्रह। हमें जो बुद्धि मिलेगी, हमारी जो वाणी होगी, ये हमें मिलती है बुध ग्रह से। सूर्य और बुध, ये दोनों जब मिलते हैं तो होता है बुध आदित्य योग का निर्माण। जन्म कुंडली में भी ये दोनों ग्रह अगर एक साथ हो जाएं तो उस जन्म कुंडली में बुध आदित्य योग का निर्माण हो जाता है और बुध आदित्य योग जो होता है ये राजाओं जैसा योग होता है। मतलब अपने लाइफ में आपको धन, सुख, शांति, वैभव, हर चीज की प्राप्ति होगी अगर आपके पास बुध आदित्य योग बन रहा है। और इसी बुध आदित्य योग को बनाने के लिए आपको अपनी दुकान में 5 बार 111111 लिखना होगा। कब लिखना है, कैसे लिखना है, अब मैं आपको बताऊंगा। आपने रविवार के दिन या बुधवार के दिन, लेकिन रविवार को लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि रविवार जो है वो भगवान सूर्य का ही दिन होता है। रविवार के दिन आपने सुबह जब अपनी दुकान पर आओगे तो लाल सिंदूर से, लाल सिंदूर या लाल पेन से भी लिख सकते हैं, अगर सिंदूर नहीं है लाल रोली से भी लिख सकते हैं, लाल सिंदूर से आपके दुकान की जो पूरब की दीवार है, जिस तरफ से सूर्य निकलता है उस तरफ की जो दीवार है, सिंदूर से आपने लिखना है 111111, ये आपने लिख देना है और बोलना है ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ये आपने करना है और बोलना है। अगला जो बुधवार आएगा, बुधवार को फिर से आपने उस लिखे हुए एक 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 के ऊपर फिर से उसको गूढ़ा कर देना है, यानी कि उसी के ऊपर दोबारा फिर से आपको लिख देना है। अगले रविवार को फिर से 3 बार इस उपाय को आपने कर देना है और मात्र जैसे ही 3 बार इस उपाय को आप कर दोगे, उसके बाद आप देखना आपकी दुकान, आपकी वही दुकान जिसमें एक भी ग्राहक नहीं आता था, आपकी वही दुकान जिसमें सारा सारा दिन आप खाली बैठे रहते थे, आपके पास इतना भी टाइम नहीं होगा, 1 मिनट का भी फुर्सत आपके पास नहीं होगा। दुकान की बिक्री आपकी हजारों में नहीं, लाखों में होगी। धन, धान्य, वैभव, यश, मान सम्मान, ये सब आपके पास होगा। श्रद्धा भाव क्रियते, अगर श्रद्धा भाव से आप ये उपाय करोगे, जैसे ही पहली बार इस उपाय को कर दोगे, उसी दिन से आपकी दुकान फुल दौड़नी स्टार्ट हो जाएगी। बोलिए सूर्य भगवान की जय।